नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी से संबंधित सामग्री का अध्ययन किया था, और इस वीडियो में भी हम लोग उसे संबंधित सामग्री का अध्ययन जारी रखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी को किन तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे कि वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई एक सामान्य तरीके से लिखा गया श्रेणी, जैसे कि A1, A2, A3, A4, और इसी तरह से हम लोग ये डॉट डॉट लगाने पर यह कहते हैं कि यह इसी तरह से चलता अगर चला जाए, तो इस श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी तब मानते थे जब किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर एक निश्चित संख्या होती थी, जिसे हम लोग सार्व अंतर भी बोलते हैं। तो सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, वह होता था A2 - A1, यानी कि आगे वाली संख्या को हम लोग पीछे वाली संख्या से घटा देते थे, और वो दोनों क्रमागत भी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि अगर सार्व अंतर इस श्रेणी के पूरे श्रेणी में अगर एक जैसे हो, यानी कि समान हो, एक निश्चित संख्या हो, तो हम लोग बोलते थे कि यह श्रेणी जो है वह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी यानी कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, यानी कि संख्याओं का जो समूह है यहाँ पर दिया हुआ, यह समांतर श्रेणी, यानी कि इसको हम लोग एपी भी बोलते हैं, तो एपी में समझा जाता है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ हो, तो उसे कैसे आगे और कंटिन्यू किया जा सकता है, यानी लिखा जा सकता है। या अगर एक समांतर श्रेणी दी हुई हो, तो उसके प्रथम पद और सार्व अंतर कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। और इसके ही आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को भी हल किया था। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में एपी का एनवा पद कैसे निकालते हैं, इस पर विचार करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास समांतर श्रेणी दिया गया है, जैसे कि 4, 7, 10, 13, 16, और इसी तरह से ये संख्या आगे बढ़ती रहती है। तो आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि यह दिया गया जो श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है। आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आप सार्व अंतर यानी कि डी निकालेंगे इस समांतर श्रेणी का, तो वो आएगा 7 में से 4 अगर हम लोग घटा देंगे, तो ये कितना आएगा, 3। 7 क्या है, द्वितीय पद, और 4 क्या है, प्रथम पद। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, A2 और -A1 किया, और वो 3 आया। लेकिन डी को एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वो क्या है, A3 - A2, क्योंकि ये दो क्रमागत संख्या है और हम लोग तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, तो हमारे पास फिर से 3 बचेंगे। यानी आप देखते हैं कि हमारे पास जो सार्व अंतर होता है, ये दोनों ही बार क्या आता है, बराबर। सिर्फ दो ही बार नहीं, आप कहीं से भी सार्व अंतर निकाल सकते हैं, और आप देखेंगे कि इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है, इसलिए हम लोग इसे समांतर श्रेणी में मानते भी हैं। अगर सार्व अंतर समान नहीं होता, तो हम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं मानते। अब प्रश्न उठता है कि ये जो एक संख्याओं का समूह लिखा गया है यहाँ पर, 4, 7, 10, 13, 16, और इसी तरह से ये आगे चलते चले जा रहे हैं, तो हम लोग जैसे कि 4 को बोलते हैं प्रथम पद और लिखते हैं A1, इसी तरह से A2, A3, A4, A5 इस तरह से लिखते हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है। जैसे कि अगर यहाँ पर A4 को ही देख लें, तो A4 इस चीज को दिखाता है कि जो हम लोगों ने संख्याओं का समूह लिखा है, उसमें चौथा पद कौन सा है, तो वो उसको A4 से लिखते हैं, और वो 13 है। उसी तरह से A5 यानी कि पांचवा पद जो है वो है 16। तो प्रश्न उठता है कि क्या हमें इसी तरह से संख्या के समूह को और आगे लिखते रहना जरूरी है, या फिर हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका 10वां पद क्या होगा,
या फिर 100वां पद क्या होगा या 1000वां पद क्या होगा। यानी कि प्रश्न ये उठता है कि आप किसी भी तरह के पद को कैसे निकाल सकते हैं, और इसके लिए हम लोग एक सामान्य फॉर्मूले का यहाँ पर सामान्य फॉर्मूले को यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह जैसे अगर मान लेते हैं कि हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो अभी जो एपी दी हुई है उसका छठा पद कौन सा है, तो छठा पद को निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि पांचवी पद तो लिखी गई है 16 और हमारे पास सार्ग अंतर है 3, तो अगर छठा पद बोला जाए तो 19 हो जाएगी और इसको हम लोग A6 बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसी तरह से लिखते चले नहीं जा सकते अगर हम लोगों से यह प्रश्न पूछा जाए कि 100वां पद क्या है। तो उसी उसी कारण से जैसे कि कोई अगर एक बड़ी बड़ा पद पूछा जाए कि एक बड़ा पद कौन सा है, यानी कि 100वां पद या फिर 105वां पद या इसी तरह के कोई पद, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि एक सामान्य फॉर्मूले का होना हमारे पास बहुत ही ज्यादा लाभकर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि एपी के कोई एक किसी पद का क्या मतलब होता है, और हम लोग चूंकि जैसे कि 100वां पद या 102वां पद ना बोल करके हम लोग हमेशा एनवा पद बोलते हैं। एनवा पद मतलब ये हुआ कि आप एन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एन एक भी हो सकता है, एन का एक का एन अगर एक हो तो इसका मतलब होता है A1 यानी कि पहला पद, एन अगर दो हो तो उसका मतलब होता है A2 यानी कि दूसरा पद, और इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 पर हैं तो ये हो गया 100वां पद, और उसी तरह से 102 हो तो 102वां पद, इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी तरह से। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी पद पर पहुंचा जा सकता है अगर हमारे पास एक सामान्य सामान्य फॉर्मूला हो तो उसके आधार पर। जैसे कि अगर 1001 बोला जाए तो हम लोग ए 1001 इस तरह से लिख सकते हैं, तो फिर कोई भी पद पर पहुंचा जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक सामान्य एपी के एपी लिस्ट से शुरू करते हैं, समांतर श्रेणी से शुरू करते हैं। तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं A1, A2, A3, A4 और इसी तरह से ये संख्या आगे बढ़ती रहती है। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर एपी के हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एपी हो तो उसके प्रथम पद के लिए हम लोग ए शब्द का यूज करते हैं, प्रथम पद के लिए हम लोग ए लिख देते हैं, और सार्व अंतर जो होता है उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो अब देखिए जो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह जो लिस्ट है उसको हम लोग अगर एक से निरूपित करें तो इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। जैसे A1 जो है वह तो प्रथम पद है और प्रथम पद को हम लोग A से लिखते हैं, तो A1 को हम लोगों ने A ही रहने दिया। लेकिन A2 जो है वह हम लोगों को ये कोमा है, तो A2 जो है वह हम लोग कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो A1 होता है उसमें हम लोग अगर D को जोड़ दें तो A2 होता है, तो इसलिए A2 जो लिखेंगे वह A1 + D। बट A1 जो है वह लेकिन A1 जो है वह A के बराबर ही होगा क्योंकि हम लोगों ने प्रथम पद मान लिया है कि A है, प्रथम पद यानी कि A1, A1 को ही हम लोग A लिख रहे हैं। तो प्रथम पद A, द्वितीय पद A और उसमें D जोड़ देंगे तो पहुंच जाएंगे, तीसरा पद क्या होगा दूसरे पद में हम लोग D जोड़ेंगे, तो A + D जो कि द्वितीय पद था और उसमें हम लोग अगर डी एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, तृतीय पद पर। और उसी तरह से अगर चौथे पद पर पहुंचना हो तो ये देखिए A + D + D पहले से ही लिखा हुआ है, यानी कि तृतीय पद तक तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और तृतीय पद में हम लोग क्या करेंगे, एक और डी जोड़ देंगे तो चौथे पद पर पहुंच जाएंगे, और इसी तरह से यह चलती चली जाएगी। तो इसको हम लोग इस संख्या के समूह को हम लोग 2 मान लेते हैं। देखिए आप इस आसानी से यह देख सकते हैं कि ये जो दिया गया समूह है संख्याओं का ये असल में समांतर श्रेणी में ही है। तो
ये दोनों ही तरीके हैं जहां पर आप लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से लिखने का फायदा ये होता है कि आप देख सकते हैं कि पूरे श्रेणी में दो ही चीज बहुत महत्वपूर्ण रह गए हैं, पहला तो ए जो कि जिसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं और दूसरा है डी। तो इसको और हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो सरलीकृत करने पर हम लोग पाते हैं कि प्रथम पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी और तीसरा पद हो गया ए प्लस दो डी और इसी तरह से a प्लस तीन गुना डी और ये इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लोग पहला पद लिखते हैं, पहला पद यानी कि a1 वो होता है a, द्वितीय पद होता है a प्लस डी, तृतीय पद हो गया a प्लस टू डी और चतुर्थ पद हो गया हम लोग के पास a प्लस थ्री डी। अब देखिए ए को तो ऐसे ही रहने देते हैं ए, लेकिन ए प्लस डी जो है उसको हम लोग इस तरह से प्रयास करते हैं कि ये जो दो लगा हुआ है यहाँ पर वह दो का किसी न किसी तरह से यूज हो, तो हम लोग पता कर पाएंगे कि अगर हमको द्वितीय पद निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस और दो में से एक को घटा देंगे और डी। अब देखिए दो में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा जो कि एक अगुने डी, तो सिर्फ डी ही बचेगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। तृतीय पद को अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस तीन माइनस एक गुना डी, क्योंकि तीन में से एक को घटाइएगा तो वो दो होगा तो ए प्लस टू डी। और उसी तरह से चतुर्थ पद को अगर लिखना हो तो चार माइनस एक इंटू डी। मैंने यहाँ पर और सारे बहुत सारे, जैसे कि आप चाहें तो जितना नंबर ऑफ पद लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर चार पद लिखे हैं जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे प्रथम पद तो स्पष्ट है, इसको प्रथम पद को और अच्छे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस एक माइनस एक इंटू डी, एक में से एक घटाइएगा तो जीरो हो जाएगा और जीरो गुने डी जी जस्ट शून्य ही रहेगा तो ये ए बचेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस संख्या को हम लोगों को मालूम करना होता है, यानी कि जो पद को मालूम करना होता है, उस पद में से एक घटा दे रहे हैं और उसको डी के साथ गुना कर दे रहे हैं। जैसे कि आप देखिए कि दूसरे पद को कैसे निकाला गया। दूसरा पद को निकालने के लिए हम लोग प्रथम पद ए जो है वो प्रथम पद है, तो प्रथम पद में से द्वितीय दो माइनस एक कर देते हैं, यानी कि द्वितीय पद निकालना था तो दो और उसमें से एक घटा दिए और फिर हम लोग क्या करते हैं सार्वान्तर से गुना कर देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर तृतीय पद मालूम करना हो तो हम लोग क्या करते हैं तीन में से एक को घटा देते हैं और फिर सार्वान्तर से गुना कर देते हैं। चतुर्थ पद अगर मान लेते हैं कि चतुर्थ पद को निकालना हो यहाँ पर ए चार यानी कि चतुर्थ पद, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं चार में से एक को घटा करके और सार्वान्तर से गुना कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक तरह का प्रतिरूप जन्म लेता है, यानी कि सिमेट्री यहाँ पर जन्म लेती है। और हम लोगों से अगर मान लीजिए कोई भी पद पूछा जाए, मान लेते हैं कि अगर कोई एक रैंडम पद पूछा जाता है जो कि ए नौ है, तो ए नौ लिखने के लिए बहुत आसानी से लिख सकते हैं, प्रथम पद तो रहेगा ही ए और उसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे नौ माइनस एक। नौ हम लोग यहाँ पर इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह नौवां पद है और उसमें एक घटा दिए और उसको किससे गुना करना पड़ेगा सार्व अंतर से। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए प्लस आठ डी। तो किसी भी पद को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो चूंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक व्यापक सूत्र हो जिसके आधार पर हम लोग चाहें तो उसमें कुछ भी संख्या रखें और उसका पद निकाला जा सके, तो उसके लिए हम लोग n शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए कि अब एक दो तीन ना लिख करके अगर ए एन का प्रयोग करें तो ए एन हम लोगों को दिखने में ऐसा लगेगा ए एन बराबर ए प्लस और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे ब्रैकेट के अंदर में कि ये जो यहाँ जो संख्या होती थी n उसको और उसमें एक घटा देते हैं और उसको गुना कर देते हैं सार्व अंतर से, तो ये हो जाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी सार्व अंतर। तो इस तरह से हमारा जो उद्देश्य था कि एक सामान्य सूत्र या व्यापक सूत्र मालूम करना जो कि nवां पद बता दे, तो वो हमें मिल रहा है यहाँ। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर और उसे समझने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हैं,
इस तरह से। और ये डॉट 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 का मतलब हुआ कि ये आगे और भी संख्याएं आ रही हैं। असल में यह जो उदाहरण है वह एक अपरिमित समांतर श्रेढ़ी का है, यानी कि हम लोगों ने इसके जो पदों की संख्या है उसे सीमित नहीं किया है, बल्कि ये असीमित रूप से बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए हम लोग इसको अपरिमित भी बोल रहे हैं। तो अगर आप इस समांतर श्रेढ़ी को देखते हैं तो आप पाएंगे कि पहला पद है 5, द्वितीय पद है 8 और इसी तरह से आगे ये बढ़ रही है। प्रश्न उठता है कि इसका 10वां पद क्या होगा या फिर 20वां पद क्या होगा। तो चूंकि अब हमारे पास एक व्यापक सूत्र है तो उस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस व्यापक सूत्र का नाम दे देते हैं ए, तो इस व्यापक सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बिल्कुल ही मालूम कर सकते हैं किसी भी पद को। अब हम लोग चेक करने के लिए कि यह व्यापक सूत्र जो हम लोगों ने निकाला है वह सही है कि नहीं या फिर काम करता है कि नहीं, इसके लिए हम लोग एक प्रश्न अभी तुरंत इसी जगह पर हम लोग हल कर लेते हैं। तो चूंकि हम लोगों को मालूम है कि जो दिया गया ये समांतर श्रेढ़ी हम लोगों ने अभी दिया है उसका जो तीसरा पद है वह 11 है, हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि तीसरा पद जिसे हम लोग A3 भी बोलते हैं वह कितना है 11। और हम लोग इस सूत्र से अभी देखेंगे कि असल में सही में यह 11 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, n के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, n के जगह पर 3 डालना होगा क्योंकि तभी वो A3 आ पाएगा। तो n के जगह अगर हम लोग 3 डालते हैं तो यह कैसा दिखेगा, a तो रहेगा ही और n के जगह पर 3-1 उसको d के साथ गुना करना होगा। लेकिन जो हमारे पास समांतर श्रेढ़ी दिया गया है उसमें आप देखिए कि a के जगह पर कितना है 5, क्योंकि a जो होता है वो प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद दिया गया है 5 प्लस और 3 में से गया तो 2 अगुना, और d के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी जो होता है उसको हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं और यह कर्मागत संख्याओं का अंतर होता है जिसमें हम लोग आगे से पीछे वाले संख्या को घटाते हैं, यानी कि 8 में से 5 और ये कितना आएगा 3। तो d के जगह पर हम लोग 3 लिखा तो ये कितना हो गया 5 प्लस 3×2 तो 6 और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11। आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको हम लोग सत्यापित करना भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने सत्यापित किया कि हमारे पास जो तीसरा पद था वह 11 आना चाहिए और हम लोग देखते हैं कि सचमुच में तीसरा पद जो है वो 11 ही है। तो इसे यह सत्यापित तो हो गया, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अब ये तीसरे पद तक ही सीमित नहीं है, आप कोई भी पद निकाल सकते हैं जो कि हम लोगों ने अभी सामान्यीकृत सूत्र जो लिखा है। अब जैसे मान लीजिए कि यही एपी, ये जो ये असल में एपी में है, तो ये जो एपी है उसका हम लोग निकालना चाहते हैं 100वां पद। तो अगर मान लेते हैं कि 100वां पद निकालना हो तो फिर उसी तरह से हम लोग ये सूत्र ए में रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस और एन के जगह पर हम लोग 100 लिखेंगे माइनस 1 अगुना डी, ए के जगह पर हम लोग 5 लिखेंगे क्योंकि दिया गया जो समांतर श्रेढ़ी है उसका प्रथम पद 5 है और 100 में से 1 जाएगा तो 99 गुना, और डी के जगह पर हम लोग 3 लिखेंगे क्योंकि ये भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 5 प्लस 99 को 3 से आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9×3=27, हासिल 2 रहेगा और 9×3=27=29 और इसमें आप 5 जोड़ दीजिए तो 7×5=12, 2 हासिल 1, 9×1=0 हासिल 1 और उसके बाद 2×1=3। तो आप देख सकते हैं कि 100वां पद जो है वह असल में 302 है। इसे आप चाहे तो आप और भी बहुत सारे नंबर्स को यहाँ पर संख्याओं को निकाल सकते हैं, जैसे कि आप खुद ही इसमें ट्राई करके वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि 101वां पद क्या होगा या फिर 95वां पद क्या होगा, ए 95 कितना होगा, या फिर मान लेते हैं कि ए 70 कितना होगा। आप कितना भी कोई बड़ा नंबर सोच सकते हैं और वो सोच सकते हैं कि इतना वाला पद कौन सा होगा, ठीक है, ये सभी पद कितने होंगे। तो आप ये सब अभी तुरंत ही ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि
एनवा पद हमेशा ही निकाला जा सकता है अगर हमारे पास समांतर श्रेढ़ी दिया हुआ हो तो फिर से मैं यहाँ पर उस फॉर्मूले को व्यापक सूत्र को लिख देता हूँ। ए एन जो था वो क्या था, ए प्लस एन माइनस वन, और उसको हम लोग क्या करते थे, सार अंतर से गुणा कर देते थे, तो ये हुआ। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है, अगर हमसे पूछा जाता है कि एनवा पद निकालने के लिए, तो एनवा पद निकालने के लिए देखिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो ये कि हम लोगों को ए जो है उसकी आवश्यकता होगी, जिसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, यानी कि अगर हम लोगों को एनवा पद निकालना हो तो प्रथम पद मालूम होनी चाहिए। या डी जो यहाँ पर लिखा गया है, डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, तो डी हो गया अपना सार्व अंतर। तो अगर एनवा पद मालूम करना हो तो सार्व अंतर भी मालूम होने चाहिए, और एक यहाँ पर एन भी जुड़ा हुआ है। यह एन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप एनवा पद निकालना चाहते हैं, तो ये भी जरूरी ही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये तीन चीजों का ज्ञान हो हम लोगों के पास, यानी कि प्रथम पद, सार्व अंतर और कौन सा पद निकालना है, तो हम लोग हमेशा ही वैसे पदों को निकाल सकते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड यानी कि इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं अध्याय में दिए हुए, तो हम लोग उन प्रश्नों को हल करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि सामान्यतया कि एपी क्या होती है, और दूसरा ये कि एपी का एनवा पद किस तरह से निकाला जा सकता है।